नमस्कार, गुड्डीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी अंडे की अनोखी कड़ी। इंडिया के हर प्रांत में अंडा कड़ी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। मेरा तरीका कुछ अनोखा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे यकीन है आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून बड़ी सौंफ, 2 लाल सूखी मिर्च, धनिया 1 टीस्पून, दालचीनी के छोटे 2 टुकड़े, 2 छोटी इलायची और 6 लौंग। इन सबको 2-3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में ड्राई रोस्ट कर लेना है। अब ये मसाला रोस्ट हो गया है, इसे एक मिक्सर बाउल में निकाल लूँगी और थोड़ा ठंडा होने के बाद पाउडर बना लूँगी। पाउडर बन के रेडी है। आप एक कटोरी में 1 टेबल स्पून दही, उसमें 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल के एक पेस्ट बना लेंगे। अब इसे साइड में रख लेते हैं। कढ़ाई को गर्म होने रख दिया है। हमने लिए हैं 4 अंडे, उसमें से 3 अंडे को बॉईल करके आधा आधा कर लिया है और एक अंडे को 1/2 टीस्पून नमक डाल के अभी फेंट लेते हैं। अभी इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हमें डालना है 2 टेबलस्पून तेल। अब हम बॉयल अंडों को इस फेटे हुए घोल में कोट कर लेंगे। इसे थोड़ा जेंटली करना है और उसे फ्राई करना है। इसे दोनों तरफ से ही हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है। हमें इसे ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है, मीडियम फ्लेम में इसे पलट पलट के भून लेना है। अंडे भून चुके हैं, अब इसे प्लेट पे निकाल लेंगे। अभी इसी तेल में आलू को फ्राई करेंगे। उसके लिए लिया था 1 बड़े साइज के आलू, जिसे मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में स्लाइस कर लिया था और उसमें मिलाया था 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी। इसे ब्राउन होने तक भूनेंगे। आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मिलाएंगे बचे हुए अंडे का घोल। ये हमारे डिश में ट्विस्ट का काम करेगा। इस घोल को ही हमें थोड़ी देर भून लेना है। बस ये भून चुका है, अब इसे प्लेट पे निकाल लेंगे। अब इस बचे हुए तेल के अंदर 1 टेबलस्पून तेल और डालेंगे। उसमें 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता और 1/2 टीस्पून जीरा। अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम प्याज और 2 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें डालना है 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट।
मसालों का सही तरीके से भूनना उसके स्वाद का राज होता है। अब इसमें डालेंगे एक बड़ा साइज का टमाटर दरदरा पिसा हुआ, थोड़ी देर इसे चला लेंगे। अब इसे ढक के 2 मिनट के लिए पकाएंगे। दो मिनट हो चुका है, मसालों को चेक कर लेंगे। अब मैंने दही में जो मसाले मिला के रखा था उसे डाल देंगे। इसे मिला लेंगे। अब कटोरी में पानी डाल के उसे भी मिला देंगे। अब डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। इसे भी अच्छे से मिला देंगे। अभी डालेंगे रोस्ट किया हुआ मसाले जिसे हमने पाउडर बना के रखा था, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डाल देंगे हमारा फ्राई किया हुआ आलू। इसे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारा आलू अच्छी तरह पक जाए। अब हमें 5 मिनट के लिए स्लो कुक करना है, इसके लिए ढक देंगे। 5 मिनट हो गया है, सब्जी बहुत गजब की लग रही है। मेरा मन कर रहा है मैं अभी खा लूँ, लेकिन मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून चीनी जो हमारे सब्जी की टेस्ट और बढ़ा देगी। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी। आपको जिस तरह की ग्रेवी पसंद है आप उस हिसाब से पानी डालिए। अब इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून हरा धनिया। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए अंडे। ये अभी से ही बहुत खूबसूरत दिख रहा है। वैसे भी हम पहले नज़र से खाते हैं और बाद में मुंह से खाते हैं। इसे अच्छे से मिला देंगे। अरे वाह, क्या दिख रही है। मुंबई में ऐसे खूबसूरत चीज़ों को टकाटक कहते हैं। अब इसमें डाल देंगे 6-7 ग्रीन चिली। अब इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि अंडे के अंदर सारे मसालों का फ्लेवर मिल जाए। 2 मिनट हो चुका है, हमारे अंडे की अनोखी कड़ी तैयार है। गैस को ऑफ कर देंगे। थोड़े से धनिया पत्तों से इसकी सजावट करेंगे। आप गरम चावल, रोटी, पराठे के साथ इसका मज़ा ले सकते हैं। आप भी इसे बनाइए, खाइए और कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए। आप लोगों के कमेंट्स से हमारा हौसला बढ़ता है। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।